हमीरपुर में प्रतिबंध के बावजूद दुकानदार पॉलिथीन का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। लेकिन अब पॉलिथीन प्रयोग करने वाले दुकानदारों से प्रशासन सख्ती से निपटेगा। एसटी में हमीरपुर ने ठोस रणनीति बनाकर ऐसे दुकानदारों पर नकेल कसने के लिए प्लान तैयार किया है। हमीरपुर में सभी सब्जी विक्रेताओं को पॉलिथीन इस्तेमाल करने के ऊपर जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। जिला प्रशासन ने सब्जी विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द पॉलिथीन बंद करें, वरना प्रशासन इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेगा। वहीं एसटीएम अरिंदम चौधरी ने बताया कि पहले भी कई बार औचक निरीक्षण किया गया, तब व्यापारियों के पास पॉलिथीन नहीं पाए गए। उन्होंने बताया कि सब्जी विक्रेता अपनी दुकान में पॉलिथीन का इस्तेमाल ना करें, वह पॉलिथीन का इस्तेमाल सब्जी मंडी के अंदर ही करें, बाहर ना करें। उन्होंने बताया कि सब्जी व्यापारियों को पहले भी 3 या 4 बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं कि वह पॉलिथीन का इस्तेमाल ना करें, वरना प्रशासन इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेगा। देखिए, जितने भी फल विक्रेता हैं, उन जो लोकल मार्केट में हैं, उनके पास तो पॉलिथीन जहां तक पाया गया कि पिछले महीने भी बेसिकली एक बार हमने रैंडम ऐसे ही औचक निरीक्षण किया गया था, तो उस टाइम बाजार में नहीं मिला था हमें पॉलिथीन। पॉलिथीन आता है जो जैसे बाहर से पंजाब से कोई सब्जी आ रही है या कहीं बाहर से कोई सब्जी आ रही है, तो वो पॉलिथीन के अंदर आती है और उसे एज पर प्रोविजन जो है सब्जी मंडी के व्यापारियों को अब सर मतलब मेरे कार्यकाल में 3 या 4 बार नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं कि कृपया उन पॉलिथीन का जो है वो सब्जी मंडी के अंदर ही सीमित रखें, उसे बाहर ना लेके जाएं, उसे मतलब डिस्पोजल उसका ठीक होना चाहिए बेसिकली। तो पॉलिथीन यहाँ के व्यापारी नहीं लेके आ रहे हैं, जो सब्जी बाहर से आती है उसी के अंदर पॉलिथीन आई जा रही है। तो हालांकि इसे भी रोकना पड़ेगा हमें किसी स्टेज पर जाकर। गौरतलब है कि हमीरपुर शहर में कई दुकानदारों के द्वारा पॉलिथीन इस्तेमाल करने की शिकायतें एसटीएम को मिली हैं और रात के अंधेरे में पंजाब से भी सब्जी के साथ पॉलिथीन हमीरपुर में पहुंच रहा है। आपको बता दें कि हिमाचल में पॉलिथीन पर पूर्णतः प्रतिबंध है और इसकी उल्लंघना करने पर जुर्माने का प्रावधान भी है।